बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां लाल हॉस्पिटल में धूमधाम के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। बता दें कि आज पूरा देश जहां आजादी के 78वें जश्न में डूबा हुआ है, वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़े हर्षोल्लास के साथ जगह जगह स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कानपुर रोड कृष्णानगर स्थित लाल हॉस्पिटल में अस्पताल के संस्थापक स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर एम एल श्रीवास्तव की यादों के साथ इस बार 78वें स्वतंत्रता दिवस पर उनकी धर्मपत्नी विद्या श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण किया। मौके पर मौजूद चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों सहित स्थानीय गणमान्य लोगों ने राष्ट्रीय गान के साथ अमर शहीदों को याद किया। इस अवसर पर अस्पताल में गोष्ठी का आयोजन कर देश के आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों एवं महापुरुषों के विचारों एवं कृत्यों पर प्रकाश डाला गया। मौके पर डॉक्टर एच एस श्रीवास्तव, डॉक्टर बी के श्रीवास्तव, डॉक्टर संस्कृति श्रीवास्तव, डॉक्टर संस्कार श्रीवास्तव, डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव, रचना श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, रमेश श्रीवास्तव, विनय श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जश्न मना रहा है। इसी क्रम में कानपुर रोड स्थित कृष्णा नगर में लाल हॉस्पिटल में आज बड़े धूमधाम के साथ ध्वजारोहण किया गया है और आज़ादी का 78वां जश्न मनाया जा रहा है। तमाम क्षेत्र के डॉक्टर्स और संभ्रांत लोग यहां इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में उपस्थित हैं और इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर एच एस श्रीवास्तव जी हैं। आज क्या संदेश देना चाहते हैं इस अवसर पर, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सर्वप्रथम तो समस्त देशवासियों को हमारी आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज अपने देश के वीर शहीदों को याद करते हुए आंखें नम भी हैं और आज हम लोग अपने इस लाल हॉस्पिटल प्रांगण में झंडारोहण का कार्यक्रम रखे हुए हैं, परंतु आज एक बहुत ही विस्मरणीय क्षण है जो भावुक कर रहा है, वो ये है कि आज हमारे इस अस्पताल के संस्थापक परम आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय श्री डॉक्टर एम एल श्रीवास्तव जी नहीं हैं और हम लोग उन्हीं के बताए आदर्शों पर चलते हुए आज यहाँ पर झंडारोहण कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए हैं। अपने जीवन को संवारने के लिए उन्होंने जो भी शिक्षाएँ हम लोगों को दी हैं उन्हीं को पालन करते हुए आज हम अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो रहे हैं और उन्हें याद करते हुए और अपने देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए हम ये कार्यक्रम आज मना रहे हैं और पूरे देश के साथ इस आज़ादी के पर्व को बहुत ही भावुक होकर के आज मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से आज का दिन कहीं ना कहीं भावुकता का दिन है। हमारे देश की आज़ादी के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया है और तब जाके ये आज आज़ादी मिली है, खुली सांस हम लोग ले रहे हैं, आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। किंतु लाल हॉस्पिटल में देखा जा रहा है जिस तरह यहाँ के संस्थापक श्रद्धेय एम एल श्रीवास्तव जी जिस तरह से यहाँ पर हर वर्ष ध्वजारोहण करते थे, आज यहाँ हॉस्पिटल के लोगों को, यहाँ के लोगों को, संभ्रांत लोगों को उनकी कमी खल जरूर रही है, किंतु उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से देश के लिए, समाज के लिए अपने दायित्वों का आप लोग पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ निर्वहन करते रहें और इसी संकल्प को लेकर आज लाल हॉस्पिटल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा।